गुड़गोबर कर दिया आपने। सबान संभाल की बात करो तबा तो वरना। भरा नहीं, मैं तो ये पूछ रहा था कि वो नकाबपोश अब तक हाथ आया कि नहीं। आया नहीं, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा। बच के जाएगा भी कहाँ वो मुझसे। इस धरती पर जो मैंने शीत लहर का कहर बरसाया, इसे बचाने के लिए तो आएगा ही ना, अपनी प्यारी सी धरती का। नकाबपोश यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि धरती पर जो ठंड फैली है उसकी जड़ तो यही यंत्र तो है। फिक्र मत करो तौबा तौबा, क्योंकि नकाबपोश बहुत जल्द मेरे चंगुल में होगा। तो फिर ठीक है। अबे लेकिन महरानी, हम कब तक यहाँ पर इस यंत्र की चौकीदारी करेंगे? बड़ी भूख लगी है। ये फल से कब तक काम चलाएंगे हम? तौबा तौबा, वो फल खाने के लिए नहीं है बेवकूफ। अब इसका क्या काम है? ये फल तुम्हें शीत लहर से बचाने के लिए है। अगर तुमने इस फल को खा लिया तो तुम दोनों भी बर्फ की तरफ जम जाओगे। ये तो फल नहीं खाए तो क्या खाऊं मैं? इस जमदारी को खा जाऊं मैं? तेरे मतलब फिक्र मत करो तौबा तौबा, क्योंकि आज शाम होने तक उस अंतिम युद्ध में नकाबपोश को और बालवीर को हराने के सारे दांव मेरे हाथ में होंगे, और उसके बाद मैं तुम्हें बहुत अच्छी दावत दूंगी। खुद तो विमान से सेवा सत्कार करवा रही है और हमें भूखा मरने को बोल रही है। कमाल कमाल की है तुम्हारी महारानी। शाबाश अनन्या, आखिर तुमने अपनी बहरानी का दिया हुआ काम पूरा कर ही दिया। अब तुम्हें इसके लिए बहुत जल्दी उपहार मिलेगा। ध्रुव तारे पर जाने से पहले देख लेता कि घर में सब ठीक तो है ना। वैज्ञानिकों की समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से बदले इस मौसम के पीछे क्या कारण है। पिछले 24 घंटों में तेजी से बढ़ती शीत लहर से धरती का टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा है। अरे पापा जी नहीं, आपकी चाय जम के बर्फ हो गई है। ऐसे ठंडी के मौसम में आइस टी पिएंगे तो गला खराब हो जाएगा। वो भी है। लाइए मैं गर्म करके लाती हूँ। ये ला। अरे देवू, इतनी देर से कहाँ थे तुम? हाँ, और तुम्हें इन कपड़ों में ठंड नहीं लग रही? तुम इतनी ठंडी से आ रहे हो और तुम्हारी बॉडी गर्म है। हाँ? अब अचानक ठंडी हो गई, ये कैसे हुआ? माँ मैं वो गोपू के घर पे था ना, तो वहाँ पे वो लोग आग तप रहे थे, तो वहाँ पे वो ज्यादा गर्मी ज्यादा ठंडी ऐसा अप डाउन हुआ ना, तो इसलिए बॉडी भी टेम्परेचर बार बार चेंज कर रहा है। लेकिन अभी अभी मुझे बहुत सर्दी लग रही है माँ। ठीक है, तुम जाके स्वेटर पहनो, मैं तुम्हारे लिए अदरक का काढ़ा बनाती हूँ। वैसे अंकल, पिछली बार जब शीत लहर आई थी तो आइस एज का जमाना आ गया था, और उस आइस एज में सारे पशु पक्षी सारे जानवर मारे गए थे। और जहां तक मुझे लगता है कि इस बार भी अगर ये शीत लहर ऐसे ही चलती रही तो वापस से आइस एज का जमाना आएगा और इंसानों को कोई बचा नहीं पाएगा। शुभ शुभ बोलो तनिषा बेटी, मुझे पूरा विश्वास है कि हर बार की तरह बालवीर इस बार भी इस समस्या का कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ निकालेगा। उम्मीद करती हूँ अंकल के बालवीर को जल्द से जल्द इस समस्या का हल मिल जाए, वरना इंसानियत को इस बार कोई बचा नहीं पाएगा। यही तो मैं चाहती हूँ देवू, कि तुम विवान को बताओ और नकाबपोश को झक मार के मेरे सामने आना पड़े।
क्यों बुलाया था तुमने मुझे यहाँ? क्या खबर लाई हो नकाबपोश के बारे में? मेरे पास एक बहुत बड़ी जानकारी है, लेकिन वो बताने से पहले मेरी एक शर्त है। शर्त? धरती पर रहकर चीटी के भी पर निकल आए क्या? पर कुछ भी हो सकता है, तो धरती है। बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? तुम्हें मेरी माँ को कालों के कारावास से आजाद करना होगा। मेरी माँ की जान के बदले तुमने मुझे अपने हाथों की कठपुतली बना रखा था, लेकिन अब और नहीं। और अगर मैं तुम्हारी ये शर्त ना मानूं तो तुम्हें ना काकोश की असलियत कभी पता नहीं चलेगी। ठीक है, मान ली मैंने तुम्हारी शर्त। अब जल्दी से बताओ कि क्या खबर लेकर आई हो तुम नकाबपोश के बारे में। लेकिन वो बताने से पहले मुझे मेरी माँ को देखना है। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा है कि मैंने तुम्हारी माँ को मार दिया है? मतलब तुम्हारी माँ जिंदा है भी कि नहीं, ऐसा लग रहा है ना? एक मिनट। जल्दी बताओ कि नकाबपोश के बारे में क्या जानती हो? मैंने तुमसे कुछ पूछा है? जब तक मेरी माँ किसी सुरक्षित जगह नहीं पहुंच जाती, मैं नहीं बताऊंगी। सुरक्षित जगह? ठीक है। शेरनी की मांद में घुसकर सौदा करने की हिम्मत भी कैसे हुई तेरी बेवकूफ लड़की? इतना याद रखना कि मेरा अंतिम और निर्णायक युद्ध है, और इसमें तेरी औकात सिर्फ एक मामूली से प्यादे जितनी है, समझी? अगली बार जब भी मुझे बुलाओगी ना, तो नकाबपोश के बारे में पूरी जानकारी हो तभी बुलाना, वरना तुम्हारी माँ की गर्दन मैं धड़ से अलग कर दूंगी, समझी? तिमनासा के चंगुल से बचाने के लिए मुझे नकाबपोश को बेनकाब करना ही पड़ेगा। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही रास्ता है हमारे पास। नकाबपोश को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बुलाना पड़ेगा। नो वे भैया, टिम्मी आंटी ने पता नहीं कौन सा जाल बिछाया है, और मैं जानबूझकर दोस्त की जान को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। विवान, नकाबपोश खुद लकी है कि उसे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला है। देखो भैया, आप तो ऐसे सेंटिमेंटल हो रहे हो जैसे नकाबपोश दोस्त आप ही हो। अरे
बुद्धू। ये नकाब पुलिस नहीं है, ये तो हमारा बालवीर है। अगर ये हमारा साथ देता ना तो तिमनासा कुछ नहीं कर सकती। मैं थोड़ी ना बालवीर हूँ, ये बालवीर है। अरे नहीं, तुम छोटे बालवीर हो, ये हमारा बड़ा बालवीर है। अरे देबू भैया, वो क्या है ना, मस्ती परी ने बुद्धि नाशक पल खा लिया था, इसलिए ऐसी उल्टी छोटी बातें करी है। और कुछ नहीं। लेकिन काश आपकी मेमोरी वापस आ जाती भैया, तो टिम्मी आंटी का प्लान हम दोनों मिलकर चुटकियों में फिनिश कर देते। लेकिन विवान एक बात बता, अगर तुम तिमनासा के सामने नकाबपोश को नहीं आने दोगे तो ये विंटर सीजन खत्म कब होगा? एक आइडिया है मेरे पास, लेकिन परी उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप सभी धरतीवासियों को अपने अपने घर में वापस भेजते हैं, ताकि ठंड से उन्हें थोड़ी देर के लिए प्रोटेक्शन मिल जाए। ओके? हाँ विवान, सही बोला तुमने। विवान, तुमने परियों को तो भेज दिया, लेकिन अब तुम कैसे जाओगे, क्योंकि लिविंग रूम में दादाजी, माँ, तिमनासा और भैमर सब बैठे हैं। फिकर नॉट देबू भैया, मैं बाहर भी जाऊंगा और घर के अंदर भी रहूंगा। वो कैसे? यहाँ पर कितनी ठंड है, मेरा दिल तो धबड़ धबड़ कर रहा है। इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है डुबा डुबा दोस्त। धबड़ धबड़। ये तो वही है वो तिमनासा के साथ होता है ना, तोबा तोबा, ये तो ऑपोजिट पार्टी में, ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं भैया, ये तोबा तोबा नहीं, ये डूबा डूबा है, ये वीर लोग से आए हैं। हाँ हाँ, समझे कि नहीं समझे? डूबा डूबा, लेकिन ये हमारी हेल्प क्यों करेंगे, ये छोटे मियाँ हमारे किस काम के? एक मिनट। हे, अरे अरे, ये तुम हो तो ये कौन है? अगर ये विवान है तो तुम कौन? अरे भैया, यही तो है मेरा प्लान, अब मैं आसानी से बाहर भी जाऊंगा और मम्मी और दादाजी को कोई डाउट भी नहीं होगा। यानी आम क्या है, गुटली मेरा नाम, समझे कि नहीं समझे? लेकिन अरे श्योर कि ये कोई लोचा नहीं करेंगे? यस भैया, आई एम श्योर कोई गड़बड़ नहीं होगी, और डुबा डुबा इससे पहले भी कई बार मेरे डुप्लीकेट का रोल निभा चुका है, तो नो वरीज। और फिर भी अगर कोई इमरजेंसी हुई सो आप इस यंत्र का यूज करके मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके ओके। क्या आप लकड़ियां लगा के आप जला सकते हैं? मेघा जी, आप? मेघा नहीं, मस्ती हूँ, बिना बात के हंसती हूँ। अच्छा अच्छा, आज आपका मस्ती करने का बहुत मूड है, इसलिए मुझे पीछे जाके डरा दिया ना। क्या घबर लो, मी कितना डर गया मालूम है मैं? मेरा दिल तो वो पुलिस का सायरन है ना, उसकी तरह धक धक कर रहा है। आपको यकीन नहीं होता, छू के देखे कैसे धक 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 कर रहा है। हाँ, धक 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 धक। मच्छर मच्छर मच्छर, फिर हाथ दीदी, देखो देखो मच्छर किधर है, मच्छर। अरे अरे कानू जी, अरे वायु परी, तुम आ गए। विधि जी देखिए ना, मेघा जी को क्या हो गया है, इन कानून को धपाधम धपाधम थप्पड़ मार रही है। वो इसलिए है क्योंकि भारत नगर के लोग ना मुंबई को शिमला समझ के ठंड के मजे ले रहे हैं। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप अपने इंस्पेक्टर वाली कड़क आवाज में बोलो ना सबको घर पे जाने के लिए। बोलता हूँ, जाओ जाओ काम पे लग जाओ। करुणा जी, दादाजी, बहुत याद किया मैंने आप दोनों को। अरे अरे अरे, बोलो नहीं, सुनो, क्या नाटक है ये तेरा? हाँ, करुणा जी क्यों बुला रहा है मुझे?
अभी 10 मिनट पहले तो तू हमारे साथ था, फिर हमें मिस कैसे करने लगा अचानक है? हाँ हाँ बाबा वो क्या बोल ना। अरे माँ माँ वो विवान को ठंड लग रही थी इसलिए उसे नींद आ गई और इसलिए वो सो गया था। अरे लेकिन नींद से उठने के बाद तो दिमाग और फ्रेश हो जाता है। अरे नहीं 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 दादाजी आप समझे नहीं, वो क्या है ना ठंड में सोने के कारण विवान की जुबान ठिठुर गई। हाँ। और इसलिए माँ के बदले उससे करुणा जी बोल दिया। बिल्कुल सही कहा आपने देवू दीदी। हाँ देखो 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 अभी मुझे देवू भैया नहीं देवू दीदी बोला है ना। बेचारा भैया भैया। विवान को चेतावनी देने के बाद भी नकाबपोश सामने क्यों नहीं आ रहा समझ नहीं आ रहा कुछ। अरे तनीषा अबे आओ ना बैठो ना हमारे साथ। अब करुणा जी मुझे बेडरूम से एक बहुत ही क्यूट सी एल्बम मिली है जिसके अंदर मैंने विवान की बहुत सारी फोटोज देखी। कितना क्यूट था ये बचपन में। अरे हाँ तनीषा मेरा बेटा तो हमेशा से ही क्यूट है। और तुम्हें पता है जब ये छोटा था ना तब तो बिल्कुल रसगुल्ले जैसा लगता था मेरा बेटा। तुम स्वीट। अरे वाह विवान बैठो उधर नहीं यहाँ हमारे पास बैठो। आना विवान तुम्हारी ये वाली फोटो कब ली थी तुमने? ये कहाँ की है? ये तो विवान को बता। क्या क्या बोल रहा है? मेरे कहने का मतलब ना जब विवान यानी कि मैं गोल गट्टम लक्कड़ वट्टम दे धनादन खेल रहा था ना ये उसी का चित्र है उसी दिन का। विवान तुम भी ना अपने गेस्ट से ऐसे मजाक करते हैं कि कोई बताओ ना कहाँ ली थी तुमने फोटो बताओ। हाँ विवान बेटा बताओ फिर ये अगड़म बगड़म में मेडल किस दिन मिला था तुम्हें? किस दिन? वो दिन बहुत ही अच्छा दिन था मैं बहुत ही प्रसन्न था। अरे क्यों इन दोनों के साथ तू क्रॉसवर्ड खेल रहा है? ये लंदन से आए लोगों को अष्टम बष्टम पष्टम चित्रम ऐसी भाषा में बात क्यों कर रहा है? हाँ हाँ अरे तनीषा जी आप बिल्कुल भी गुस्सा मत होइए वो विवान क्या है ना थोड़ा जोकीला स्वभाव का है इसलिए। विवान बहुत हो गया तेरा मजाक हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता। अरे कोई बात नहीं करुणा जी। अच्छा ये बताओ कि अगली फोटो कहाँ की है विवान? मैं क्या बताऊंगा मेरा दिल तो धबड़ धबड़ हो रहा है कहीं सबर तबड़ में मेरे मुझसे कुछ अबर सबड़ ना निकल जाए। बताओ ये तो मारकुटे की फोटो लग रही है। क्या बोल रहा है विवान क्या हो गया तुझे? अरे गर्भी की फोटो है मारकुटे की फोटो क्यों बोल रहा है? ज्यादा ठंड लग रही है तुझे? रिलैक्स रिलैक्स माँ रिलैक्स माँ वो विवान की जबान मैंने कहा ना ठिठुर गई है। हाँ हाँ ठिठुर गई है इसलिए माँ आप जल्दी से विवान के लिए कुछ पीने के लिए गरम गरम लेकर आइए ताकि उसकी जुबान वापस सीधी आ जाए। हाँ मैं इसके लिए गरम सूप बना कर लेकर आती हूँ तभी सुधरेगा ये। मैं भी एक काम करता हूँ मैं भी आप सब लोगों के लिए एक डिश बनाता हूँ बग्गे को जो सबसे ज्यादा डिश पसंद थी ना हॉस्टल के जमाने में वो बना के लेके आता हूँ।
मैं छल कपट और धोखे की महारानी हूँ और मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। क्यों, सदमा लगा ना? हमें मालूम है कि ये विवान नहीं बैरोपिया है। अगर 30 मिनट में विवान घर पर नहीं आया तो सारे घर वालों को असलियत पता चल जाएगी कि विवान ही बालवीर है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.